अद्वी अरे एक मिनट बस कर, अरे हो एक मिनट अरे बाय 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 बाय, तो कर मला अद्विक अद्विक बाय बाय कर ना मला। हो मला गाडी पलटू तो, मला मला गाडी पलटू काय, गाडी पलटवणे लागल का मग तू नंतर बसतो ना, सुंदर घेतलं तुला लोक काय म्हणणार नाही। हे गाइस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस अद्विक चला गया था स्कूल, माही तो पहले ही चली गई थी स्कूल। अद्विक को 9 बजे जाना होता है तो अद्विक 9 बजे जाता है, 11:30 बजे वापस आता है। अद्विक की 2-2.5 घंटे स्कूल होती है और माही अद्विक से पहले ही स्कूल चली जाती है। तो माही जाती है 8:15 बजे स्कूल। तो यहाँ पर हो रही है पौधों की कटाई, मतलब फूल जो है वो कट कर रही है और मुझे बता रहे कि ऐसे ऐसे कट करना है, जब भी मैं अगर मतलब भूल जाऊँ तो आप कट कर सकते हो। तो ये मुझे सिखा भी रहते एक्चुअली और दिखा भी रहते कि कैसे कट करना है, मतलब कट भी कर रहे थे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि कितने अच्छे अच्छे फूल आया है, मतलब ये देखो गुलाब का फूल बहुत ही सुंदर लग रहा था, मतलब बहुत ही बड़ा लग रहा था, इसी वजह से मैंने आपको दिखा दिया। और काफ़ी सुंदर से फूल आ रहे थे, बट जो फूल पुराने हो गए थे ना, ये मुझे कलियाँ दिखा रहे हैं कि कितने ज़्यादा कलियाँ आ गए वो देखो। तो इन्होंने खाद वगैरह डाले थे अभी, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर गुलाब के फूल देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, मैं ना गुलाब के फूल देखती हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर है ये गुड़हल का फूल, मतलब पिंक वाला, और उसी टाइप का ऑरेंज वाला है उधर लगाया हुआ, तो पिंक वाले को भी 2 कलियाँ आ गई थी, इससे भी फूल आ जाएंगे। तो ये ना सुबह सुबह क्या करते हैं, इसी तरह से जो जो मतलब जो जो फूल ख़राब हो चुके हैं उसे निकाल देते हैं, उसे काट लेते हैं, या तो डंडिया वगैरह काटनी है तो वो काट लेते हैं, पीले पत्ते वगैरह निकालते हैं। यहाँ पर मुझे वो दिखा रहे थे कि कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं पौधे, मतलब ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो रही है उनकी, और मतलब जो छोटे छोटे पत्ते हैं उन्हें आ रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर देखिए पूरे पौधों के मतलब जो जो फूल है ख़राब हो चुके हैं वो मुझे दिखा रहे थे कि इस तरह से ऐसे फूल काट लेना, कभी मेरा मन करे यहाँ पर टाइम स्पेंड करने का तो यहाँ पर इस तरह से वो सिखा रहे थे मुझे, मतलब मेरी ट्रेनिंग ही हो रही थी यहाँ पर। मैं ये दिखाती हूँ मैं आपको क्या कर रहे हैं, ये बना रहा बेबी के लिए चाय, बेबी के लिए चाय बना रहा। मैंने ना पहले इनको एक टिकटॉक वीडियो देखा था और उसमें बोला था इनको, उसमें कहा गया है कि जो पति सुबह सुबह बेबी के लिए चाय बनाए मतलब उस घर में सुख शांति बनी रहती है। तो मैंने इनको वीडियो दिखाया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा आपको डेली। तो अभी ये डेली 2 दिन हो गए मुझे चाय बना के दे रहे। नहीं नहीं ऐसी बात कुछ नहीं है, मैं ये सोचता हूँ दिल में कि जब ये मेरे को जब पिला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पिला। हाँ बराबर है, बराबर है, हाँ पिलाओ पिलाओ चाय पिलाओ बना के। और यहाँ पर मैंने नाश्ते के लिए ले लिया है रोटी और सब्जी, तो सब्जी एक्चुअली बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है, मिक्स वेज बनाई है, मतलब ऐसा लगा भी नहीं था कि इतनी ज्यादा टेस्टी बनेगी। और ये सब्जी बनाई है इन्होंने मेरे लिए और बच्चों के टिफिन के लिए। तो मतलब बहुत जल्दबाजी हो गई थी आज सुबह सुबह, मतलब लेट उठी मैं और बहुत जल्दी जल्दी किया सारा। तो क्या हुआ था कि ये बोले कि मैं सब्जी बना देता हूँ आप रोटी बना दो, तो इसी वजह से इन्होंने सब्जी बनाई और मैंने रोटियां बना दी तब तक। तो इन्होंने इतनी ज्यादा टेस्टी सब्जी बनाई है कि मैं क्या बताऊँ। मैंने जब ये ब्रेकफास्ट, हम लोगों ने आज अलग ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, मतलब आज यही ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं हम लोग, नहीं तो रोटी सब्जी वगैरह ऐसे ब्रेकफास्ट में हम लोग खाते नहीं है। आप लोगों को बताइए पोहा या उपमा ऐसे कुछ खाते हैं, बट आज सब्जी इतनी टेस्टी बनी है कि आपको क्या बताओ, यही ब्रेकफास्ट में खाने का मन कर रहा है। इन्होंने भी यही खाई, मैंने इनके इसमें से एक निवाला खाया था तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगा था, इसी वजह से मैं भी अभी ये खा रही हूँ। तो ये तब तक बना रहे हैं मेरे लिए चाय, मेरे हाथों की सब्जी वैसे भी इसको अच्छी लगती है। हाँ तो वो तो हर वाइफ को अपने हस्बैंड के हाथ की सब्जी अच्छी लगती है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं आयतला काय म्हणतात, आयतला हिंदी मध्ये काय म्हणतात, आयतला नहीं उसके लिए क्या है जो बनाता है ना उसको अच्छा ही लगता है। हाँ दूसरे हाथ का खाने का मजा, हाँ दूसरों के हाथ का खाने का, मतलब कैसा होता है कि हम अपने हाथ का खा खा के बोर हो चुके होते हैं ना, तो इसी वजह से कोई अगर खिला दे, कोई अगर बना के खिला देना तो अच्छा लगता है। और मतलब इनके हाथ की मुझे हमेशा सब्जी अच्छी लगती है। तो अभी मैं खा के देखती हूँ, खा के देखती हूँ मीन्स खाया है मैंने इससे पहले,
बट बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है। और ऐसी सब्जी ना वहां पर बनती थी लंगर में अपने, वहां पर बड़ा खाना में, आर्मी में थे तो बड़ा खाना में ऐसी सब्जी बनती थी मिक्स वेज, और वो मुझे इतनी ज्यादा पसंद आती थी। मैं कभी मतलब किसी चीज में जाती नहीं, वैसे फंक्शन वगैरह में मुझे जाना इतना अच्छा नहीं लगता है, बट मैं ना बड़ा खाना में ये सब्जी खाने के लिए जाती थी स्पेशली। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है, पता नहीं क्या क्या डाला इन्होंने, इन्होंने रेसिपी लेनी पड़ेगी, लेकिन मेरे से मतलब रेसिपी लूंगी भी नहीं मैं, अगर मैं रेसिपी ले भी लूंगी इनसे ऐसे नहीं बना पाऊंगी मैं। और प्याज भी नहीं डाला इन्होंने, देखो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है। चाय दो, आप भी ले लो चाय साथ में, हम लोग भी लेंगे आज, आज टाइम मिला है हमें साथ में, आज इनकी ड्यूटी लेट जाना है इन्हें थोड़ा, और अद्वित को छोड़ के आ गए, नहीं तो हमें ऐसा टाइम मिलता ही नहीं है। अद्वित को छोड़ के आता है तुरंत भागते हैं ड्यूटी के लिए, और आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो हमने सोचा कि चलो चाय पीते हैं एक साथ बातें करेंगे, थोड़ा सा रोमांटिक टाइम स्पेंड करेंगे। उम्र बढ़ती जा रही है, जैसे हम बुढ़े हो गए हैं, मतलब हम लोग बुढ़ापे के प्लानिंग अभी से कर रहे हैं। तो बैठो बैठो ना, और मुझे ना पता नहीं किस किस को ऐसे पसंद है, बताना जरूर मुझे चाय। मैं एक ऐसे निवाला खाती हूँ, क्या बोलते हैं इसे, या ब्रेकफास्ट का या किसी भी चीज का, जैसे मैं खाना खा रही हूँ और एक गुड चाय पीती हूँ। बहुत लोग पीते हैं, किस किस को पसंद है ऐसे बताना जरूर, और बहुत लोग मुझे टोकते भी है कि ऐसे क्या पी रही हो, ऐसे कैसे कर रही हो, पहले एक तो चाय पी लो नहीं तो फिर एक तो खाना खा लो। टेस्टी बनी है चाय भी, और ये ना हस्बैंड कहते हैं कि चाय ना इसलिए टेस्टी बनी है। आई तो मिला था, आपन मानते ना आई तो मिला था, बना बनाया हुआ मिला हुआ। अगर बना बनाया मिल जाए ना, बना बनाया तो किसको अच्छा नहीं लगता है, और मुझे तो और ये इसमें लेमन ग्रास डालते हैं, इस वजह से इनकी चाय बहुत टेस्टी बनती है। और लेमन ग्रास इन्होंने लाया था, लेमन ग्रास का पौधा लाया था, वो लगाया तो तुलसी का पत्ता भी डाल रहा है। हाँ, तुलसी का पत्ता भी डालते हैं ये, सिर्फ इलायची नहीं डालते, मैं इलायची डालती हूँ, अदरक डालती हूँ, मैं दो ये दोनों चीजें डालती हूँ, मैं इलायची का पाउडर और अदरक, और ये लेमन ग्रास और तुलसी का पत्ता डालते हैं। और लेमन ग्रास की चाय किस किस को पसंद है ये भी जरूर बताना मुझे, खा लेती हूँ पहले, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। पता नहीं ये बम्बू का पौधा किस लिए मांग रहे हैं, उनको क्या करना है इसके साथ पता नहीं। और हाँ, ये जो बम्बू का पौधा है ना, ये हमने पिछली बार नर्सरी गए थे उस टाइम लाया था, और देखो कितना बढ़ गया है, और इसका घर में होना शुभ रहता है बोलते हैं, आप भी लेके आना जरूर, अगर आपके घर में नहीं हो पौधा, किसी ने गिफ्ट दिया होता ना तो अच्छा रहता है, मतलब शुभ रहता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया था उस टाइम, वो पड़ोस वाले भैया को लेके गए थे ना हम लोग, तो भैया और दीदी को जब नर्सरी गए थे तो उस टाइम उन्होंने मतलब ऐसा बताया था हमें, हम खुद लेने वाले थे बट हमें नहीं पता था इतना कि ये कि देखो कितना अच्छा ग्रो हो रहा है, दालचीनी के इसके अंदर इन्होंने दालचीनी डाली है, मतलब इन्होंने कहीं सुना था कि दालचीनी डालने से इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। और क्या हुआ था कि उस टाइम उन्होंने फिर हमें बताया था कि ये गिफ्ट किया होता है ना तो अच्छा रहता है, तो उन्होंने भी अपने घर में नहीं लिया था इसी वजह से, तो हमने क्या किया, हम दोनों ने फिर उन्होंने हमारे लिए लिया और हमने उनके लिए लिया, तो हम दोनों ने ऐसे एक्सचेंज किया था, हमने क्या किया था उनको गिफ्ट दिया था और उन्होंने हमें गिफ्ट दिया था, ऐसे करके हम लोगों ने लिया था वो। और अभी उनके यहाँ का भी अच्छा ग्रो कर रहा है, और हमारे यहाँ का भी, हमारे यहाँ का पॉट हमें चेंज करना पड़ेगा इसका, उन्होंने पॉट चेंज किया ना,
तो काफी अच्छा ग्रो कर रहा है उनका भी, नहीं इतना बढ़ गया, लेकिन वो पॉट चेंज करने से क्या हो रहा है कि बड़ा लग रहा है उनके यहाँ का, तो हमारा पॉट छोटा सा है तो हमें भी पॉट चेंज करना है। उनके यहाँ पे ऑलरेडी पॉट था तो उसमें उन्होंने रख दिया और हमें पॉट चेंज करना है इसका। हमने वही जो मिला था उसके साथ पॉट तो वही रखा है, लेकिन इसका पॉट अगर चेंज करेंगे ना तो वो जो जड़े है उसकी वो उसको बढ़ने के लिए मतलब वो मिलेगा, थोड़ा सा जगह मिलेगी। हम लोग अभी उसके लिए पॉट लेके आएंगे, और आपके यहाँ पे नहीं होगा तो आप किसी को बोलना ऐसे ही हमारे जैसे करना तो अच्छा रहता है, शुभ रहता है और बरकत भी आती है बोलते हैं, इससे बरकत भी होती है घर पे, होते है ना ऐसे ऐसे बोलते है। तो बस इसको क्या किस लिए लाया था वो थोड़ा अच्छा, उसको थोड़ा सा धूप देंगे तो अच्छा रहेगा, तो इसीलिए ऊपर रखा है शायद। हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर रखा है। सो गाइस आज है मेरे घर पे हल्दी कुमकुम, और मैं सुबह बताना ही भूल गई आपको कि आज हल्दी कुमकुम रखा है मैंने, और मैं हुई हूँ इस तरह से रेडी। आप देख सकते हो ये वाली साड़ी पहनी है मैंने, पैठनी, महाराष्ट्र की फेमस है पैठनी, तो इसे सिल्क पैठनी बोलते हैं, तो ये वाली साड़ी पहनी है मैंने आज, और इस तरह से हुई हूँ रेडी। अभी हल्दी कुमकुम स्टार्ट होने ही वाला है तो फुल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ, माही दिखा देगी आपको फुल लुक। अच्छा केला, अच्छा नहीं केला, अच्छा केला। सिंपल सा डेकोरेशन किया है, इस तरह से डेकोरेशन किया है जैसे कि आपने देखा, और मेरा लुक भी पता ना कैसे लग रहा है। और बस अभी लेडीज आने ही वाली होंगी हल्दी कुमकुम के लिए, और अद्विक की लूट भी है आज तो वो भी करेंगे। अद्विक भी रेडी हो चुका है लूट के लिए, शर्ट पहना है। अच्छा अद्विक ने शर्ट पहना है पापा के लिए, पापा के लिए शर्ट पहना है पापा के साथ पापा के जैसा पापा के साथ। ओह माय गॉड, हिंदी का पचका पापा के जैसा पहना है अद्विक ने शर्ट पापा के चार का। और माही इस तरह से हुई है रेडी, माही का लुक दिया है। कैसा डांस कर रही हूँ, अरे ये कौन सा डांस है, ये कौन सा डांस। तो गाइज़ यहाँ पर लेडीज़ का आना स्टार्ट हो गया था, मतलब हल्दी कुमकुम का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो गया था मेरे यहाँ का। तो एक्चुअली ना आज कॉलोनी में बहुत जगह पे हल्दी कुमकुम था, काफ़ी जनों ने आज हल्दी कुमकुम रखा था, बट मतलब हम लोग क्या कर रहे थे, जिनके भी घर में हल्दी कुमकुम था वो थोड़ी देर ऐसे किसी के घर में जा रहे थे, फिर और वापस आ रहे थे घर में दूसरों को हल्दी कुमकुम देने के लिए। यहाँ पर हमारी चल रही थी मस्ती, मतलब हम लोग ऐसे ही कोई भी प्रोग्राम सीरियसली नहीं लेते हैं, कोई भी प्रोग्राम में ऐसे सीरियस होके नहीं प्रोग्राम करते, ऐसे ही मस्ती चलती रहती है हमारी। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा हंसती हूँ कोई भी चीज़ के लिए, मतलब मैं सीरियस रह ही नहीं सकती, एक्चुअली मैं कोई भी चीज़ में सीरियस रह ही नहीं सकती, हर टाइम मेरी हंसी छूट जाती है। तो यहाँ पर हम लोग जो उखाने बोलते हैं ना हमारे साइड में, जो हस्बैंड का नाम लिया जाता है उसमें, तो वो बोल रहे थे। और इसी तरह से इस वाले प्रोग्राम में ना, हल्दी कुमकुम वाले प्रोग्राम में स्पेशली उखाने का मज़ा आ जाता है, मतलब उखाने जो बोलते हैं ना वो सुनने के लिए मज़ा आता है। हर लेडीज़ अपना अपना उखाना लेती है और उस सुनने का ही अलग मज़ा आता है, मतलब इसी टाइम में बोला जाता है ये वाला उखाने वगैरह का प्रोग्राम जो है वो इसी टाइम में होता है। और इसी टाइम में लेडीज़ का ये बोलते हैं ना, लेडीज़ का त्यौहार ही होता है ये,
और लेडीज़ का माहौल ही होता है इस टाइम में, क्योंकि हर दिन हर जगह पे हल्दी कुमकुम रहता है हमारे साइड में, और हर दिन हम लोग सजते धजते हैं, किसी के घर जाते हैं। बट इस साल ना अमावस्या तक रहता है, बट इस साल अमावस्या मतलब जल्दी ही आने वाली थी, काफ़ी कम दिन थे आज इस साल, तो इसी वजह से ना काफ़ी कम दिन लोगों ने हल्दी कुमकुम रखा था। तो यहाँ पर हो रही है अद्विक की लूट, हमारे साइड में लूट बोलते हैं, किसी किसी के साइड में बोर नान भी बोलते हैं, मतलब महाराष्ट्र में ही अलग अलग साइड में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो एक साल से पाँच साल तक के बच्चे हैं ना, उनका ये होता है, मतलब लूट बोली जाती है, बोर नान बोला जाता है, ये वाले करते हैं। तो ये वाला ना किसी किसी साइड में, मतलब महाराष्ट्र में ही कुछ कुछ साइड में ना फर्स्ट ईयर में ही करते हैं, मतलब पहले साल बच्चों के पहले साल ही करते हैं, बट हमारे साइड में एक साल से लेके पाँच साल तक के बच्चों का करते हैं। और उसमें जो भी सीज़न में जैसे गाजर हुए, बेर हुए, ये जो सीज़न में आते हैं ना सारी चीज़ें, वो होते हैं मटर के दाने, मटर की फलियाँ, ये सारी चीज़ों से बच्चों को नहलाते हैं, मतलब बच्चों को नहलाते मीन्स उनके ऊपर से डालते हैं, तो उससे ही बोलते हैं कि बोर नान बोलते हैं उसे। तो हमारे साइड में लूट बोलते हैं, मतलब चॉकलेट्स वगैरह बिस्किट्स वगैरह भी डालते हैं, और चॉकलेट्स बिस्किट्स डालने के बाद जो छोटे बच्चे होते हैं वो उठा लेते हैं वो सारी चीज़ें, तो इस तरह से वो होता है और मज़ा आता है एक्चुअली, और छोटे बच्चों को भी मज़ा आता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है उनको भी। बट बच्चे नहीं आए थे, छोटे दो ही बच्चे आए थे, तो उनके सामने मैंने इसका कर लिया था अद्विक का, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा था कि कब होगा, तो क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है ऐसे चीज़ों में, और माही भी वेट कर रही थी कि अद्विक का कब होगा बोरनान, और यहाँ पर सारी लेडीज़ आ रही थी मेरे घर पे, तो इस तरह से मैं हल्दी कुमकुम और वो दे रही थी। तो यहाँ पर कुछ दिया जाता है, मतलब गिफ्ट में जो लेडीज़ होती है उनको, जो हमारे घर पे हल्दी कुमकुम के लिए आती है, उनको कुछ दिया जाता है गिफ्ट में, मतलब उसे वान बोलते हैं हमारे साइड में, उसमें हम हमारी पसंद का कुछ भी दे सकते हैं। बट यहाँ पर मैंने स्टील की प्लेट लाई थी क्योंकि ये काम में भी आ जाती है, मतलब ऐसे ही पड़ी नहीं रहती है, कुछ भी हम लोग प्लास्टिक वास्टिक का देते हैं तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है, तो इसी वजह से मैं ऐसी स्टील की कुछ चीज़ें दे देती हूँ, क्योंकि ये वाली चीज़ें ना काम में आ जाती है, तो इसी वजह से हमें हर साल ऐसी ही कुछ काम में आने वाली चीज़ें देती हूँ। तो इस तरह से हुआ है मेरे घर पे हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम, और आपके घर पे हुआ है या नहीं हुआ है अभी तक ये मुझे ज़रूर बताना, मुझे लग रहा है कि आप लोगों के घर में भी हो गया होगा अभी तक हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम। और हाँ, अगर मैं पॉसिबल होता तो आप लोगों को भी बुलाती, आप लोगों को मिस कर रही थी मैं, और ऐसा लग रहा था कि आप लोग भी आ जाते मेरे घर पे तो अच्छा होता, और आपके साथ भी मैं ये वाला प्रोग्राम सेलिब्रेट करती। बट कोई बात नहीं, अगर आप अमरावती के आजू बाजू से होंगे तो हम कभी ना कभी पक्का मिलेंगे ही। और इस तरह से हुआ था मेरे घर पे हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको व्लॉग कैसा लगा।